हेलो दोस्तों, ट्यूब टुगेदर की ओर से आप सभी को जोहार। आज हम फिर आए हैं धोडांगा गांव की ओर, जो कि आपका तुरामंडी के बगल में पड़ती है। और ये धोडांगा का मैदान है, फुटबॉल मैदान। ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे इतने सारे गोल पोस्ट हैं, मतलब चार पांच टीम खेलते होंगे एक साथ में, शायद तीन मैच होता होगा साथ साथ में। ऐसे बहुत सारे चीज़ दिख रहे हैं यहाँ पे। और इधर देख सकते हैं तुरामंडी का, ये क्या बोलते हैं, तोरामडी का जो माइनिंग के बाद जो निकाला जाता है स्लैग, सॉरी स्लैग बोल रहे हैं, कि जो वहाँ से मटेरियल निकाला जाता है उस चीज़ को डाला गया इधर है। इधर जो पहाड़ दिख रहा है आपको, वहीं माइनिंग से निकाला गया सब मटेरियल है, और उसी से पूरा पहाड़ बन चुकी है। और आगे हम बढ़ते, कुछ उधर दिख रहा है लोग, वो कुछ मिट्टी उट्टी लेके जा रहे हैं। तो आगे हम गांव की तरफ घुसते हैं। अब ये तो फुटबॉल मैदान है, अब इधर ही से स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ इस ग्राउंड को दिखा के। कल को आपको खुद खेलने मन करेगा इसे, आप आके खेल सकते हैं, चाहे तो देखे होंगे। तो अब ये भी आपका, ये बता दें, तुरामंडी के जस्ट पीछे पड़ता है, तुरामंडी माइंस देखे होंगे, तुरामंडी कॉलोनी है, उस तरफ से रोड है। आप इधर से कलियाडी तरफ से भी आ सकते हैं, भुटुड़ी तरफ से भी आ सकते हैं, इसलिए बहुत सारा रास्ता है। आप इधर फिर आप नगाड़ी तरफ से भी आ सकते हैं, रास्ता बहुत है, आपको जिधर अच्छा लगे आप चुन लीजिएगा। मैदान है। और आगे हम जाते हैं अभी गाँव की ओर। और ये शायद यहाँ के जहर है, सॉरी इधर थोड़ा दिखा दीजिए, ये धोडांगा के जहर है। जहर जो संथाली लोगों का पूजा पाठ जो होता है ना, जैसे सबका मंदिर विवाह जो भी होता है, उसी तरह से ये जहर है। चलिए थोड़ा सा को पास लेके चलते हैं। जहर हम लोग को ऐसे नॉर्मली अंदर तो जाने मिलता है नहीं, तो ऐसे टाइम पे जाने को नहीं मिलता है, जो सब कुछ जब पूजा पाठ कुछ होता है तभी अंदर हम लोग जा सकते हैं। ऐसे मंदिर उंदिर में जैसे होता है कि आप डेली घुस सकते हैं, बट यहाँ पे वो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अब कुछ स्पेशल जब कुछ मौका होता है तभी यहाँ आप घुसते हैं, मतलब सबको आने को मिलता है उस टाइम। यहाँ पर कैसे ऐसे मतलब जाति भेदभाव नहीं होता है, जो यहाँ पर मरंग गुरु का पूजा किया जाता है इसी तरह से लग रहा है। बट हम लोग यहाँ पे होना तो चाहिए, एक साल का पेड़ होना चाहिए, बट यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। आम का पेड़ नज़र आ रहा है, और कुछ कुछ छोटे छोटे पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं। देखते हैं, जहर कुछ इस तरह से घिरा हुआ है, ताकि कुछ मतलब जो भी मवेशियाँ हैं, या तो जो भी बैल गाय जो बकरी है, वो सब इसको क्षति ना पहुँचाए, इसी वजह से इस तरह से घेरा लगा होता है। और कुछ मतलब लोग भी पी खा के इस तरह से बहुत कुछ कचरा करते, तो उस सब से हम लोग को कुछ मतलब कि यहाँ के इंसानों का मानना है, मतलब कि कुछ उस तरह से ना हो, इसी वजह से कोई कचरा ना करे, इसीलिए अब इस तरह से घेरा लगा होता है। तो ये लग ऐसी रहा है, जहर ही है। हाँ, जहर ही है। और हम लोग के मरंग बुरु, ये जो आपका एक झोपड़ी सा छोटा सा लग रहा है ना, यहीं पे सब कुछ पूजा पाठ होता है, और कुछ प्रोग्राम जो होते हैं इसके अगल बगल जो पाठ होते हैं इसी तरह से। इसको हम संथाली में कहा जाता है, यहाँ के लोगों के मतलब जो भी संथाल लोग रहते हैं ना, उन लोग इसको कहते हैं जहर। जहाँ पे मतलब उन लोगों के जो भी कुल देवता होते हैं, जो भी है वो यहाँ होते हैं, मतलब कि यहाँ सब कुछ पूजा पाठ किया जाता है, जितने भी पर्व त्यौहार होते हैं सब कुछ यहीं पर काम होता है। तो फिर है चलते हैं आगे गाँव की ओर, देखते हैं गांव में क्या है। तो उसी तरह से जो आज तक हम दिखाते आए हैं गांव पे क्या है, कुछ खास है, जैसे उनके घर की बनावट किस तरह की होती है, घर पे ऐसा कौन सा चित्रकारी होती है, जैसे हम आज तक बहुत सारे से सुने हैं कि हर जगह जगह पे अलग अलग तरीका का कुछ होता है, तो यहाँ पे भी इसी तरह से हम देखेंगे। आज तक हम दिखाते आए हैं कि घर की बनावट तो देखते हैं सब समान ही होता है, मतलब अप्रोक्सीमेट सब समान ही होता है, बट उस पे जो डिज़ाइन होता है उस डिज़ाइन को हम लोग को दिखाना है, कि आप भी इस तरह से कल को आने वाले इंसान, मतलब कि आप जो टाउन पे रहते हैं, आप भी जान सको इस बारे में, सीख सको इस चीज़ से कि क्या मतलब कि आज तक देहात के मतलब देहात में भी गांव में भी ऐसे लोग हैं जो चित्रकारी कर सकते हैं, कि कुछ बनावटी कर सकते हैं। ऐसे हमको बहुत सारे 3D भी देखने को मिले हैं, ऐसा 3D जैन भी देखने को मिले हैं, जो कि हमको प्रोफेशनली देखने को मिलता है, ऐसे नॉर्मल इंसान के पास देखने को नहीं मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इस गाँव पर, क्या खास है, आगे बताते हैं आपको कुछ मिलेगा तो।